कियारा ने अपनी वेडिंग वीडियो का राज बताया। इस साल 7 फरवरी को सिद्धार्थ और कियारा ने जैसलमेर में शादी की थी। दोनों की शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड हुआ था। वीडियो में जहां एक तरफ कियारा स्टेज पर डांस करती हुई नजर आई, वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ अपनी कलाई में बंधी घड़ी को देखते हुए नजर आए थे। कियारा ने हाल ही में कॉफी विद करण शो में इस वीडियो के बारे में बात की। उन्होंने हंसते हुए कहा, दरअसल बारात बहुत जल्दी आ गई थी और मैं लेट हो गई थी। कियारा ने आगे कहा, मैं शादी के लिए तैयार हो रही थी और इस बीच अपनी ब्राइड्समेड के साथ मुझे कुछ फोटोज भी करानी थी। मेरे पास उनके साथ की एक भी फोटो नहीं थी। हालांकि मेरी दोस्तों ने सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट की थी जहां वो ये कह रही थी कि हम कसम खाते हैं कि शादी में दुल्हन थी, हमें बस दुल्हन के साथ एक भी तस्वीर नहीं मिल पाई, इसी वजह से मैं लेट हो गई थी। शो कॉफी विद करण के 7th एपिसोड में विकी कौशल और कियारा आडवाणी साथ में नजर आए। इस दौरान करण ने कियारा और सिद्धार्थ की शादी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ और कियारा की शादी बहुत खास और अतरंगी थी। उन दोनों का स्टेज पर मिलना भी बहुत फिल्मी था। मुझे नहीं लगा था कि दोनों की स्टेज पर इस तरह की एंट्री प्लान की गई थी। सिद्धार्थ ने कॉफी विद करण शो में बताया था कि वो अपनी और कियारा की शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करना चाहते थे। कियारा और डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने सिद्धार्थ को वीडियो पोस्ट करने के लिए राजी किया था। सिद्धार्थ ने कहा, मैं वीडियो डालने के बिल्कुल खिलाफ था, लेकिन कियारा और मनीष मल्होत्रा की वजह से मुझे हाँ करना पड़ा। कियारा आडवाणी हाल ही में कार्तिक आर्यन के साथ फिल्म सत्य प्रेम की कथा में नजर आई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया था। 2024 में कियारा साउथ सुपरस्टार रामचरण के साथ तेलुगु फिल्म गेम चेंजर में नजर आएंगी। इस फिल्म को डायरेक्टर एस शंकर डायरेक्ट करेंगे।